मनिहारी में शनिवार की देर रात अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष त्रिवेदी के नेतृत्व में 14 ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया गया, जिसके बाद एसडीएम ने सभी जब्त ट्रकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम ने कहा कि इन ट्रक चालकों द्वारा नियम का पालन नहीं करते हुए अपने ट्रकों पर क्षमता से अधिक माल लोड किए जाने की वजह से अनुमंडल क्षेत्र में अभियान चलाकर ट्रकों की जांच करते हुए ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 14 ट्रकों को सील किया गया, जिनमें से 6 ट्रक 14 चक्का एवं 8 ट्रक 12 चक्का शामिल थे। आज जो अवैध खनन और ओवरलोड जो ट्रक चलते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल 14 ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिनमें अवैध खनिज और क्षमता से अधिक धुलाई की जा रही थी। इसमें से 6 ऐसी जो 14 चक्का वाली हैं, बाकी 10 या 12 चक्का की हैं। इन सब के विरुद्ध दंड आरोपित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनको सबको पकड़ करके सीज कर लिया गया और आगे अग्रेतर कार्रवाई भी इनके ऊपर की जाएगी। जी, जो 14 चक्का वाले हैं उनके ऊपर मामला दर्ज होगा, क्योंकि वो राज्य सरकार के द्वारा 14 चक्का ट्रकों का गिट्टी की ढुलाई उनके द्वारा मना है, तब भी वो ऐसे चला रहे, इसलिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। वहीं एसडीएम द्वारा ट्रकों की जब्ती की जानकारी मिलते ही जिला परिवहन पदाधिकारी अतहर हुसैन सहित डीटीओ ने पूरे दल बल के साथ पहुंचकर सभी ट्रकों को जब्त कर लिया, जिसके बाद रविवार की सुबह खनन पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह मनिहारी पहुंचे और कानूनी कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार 14 चक्का ट्रकों में गिट्टी सहित भारी वस्तु की ढुलाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। इसके बावजूद ट्रकों से माल की ढुलाई लगातार जारी है। इधर इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम के साथ मनिहारी थानाध्यक्ष रंजन कुमार, अवर निरीक्षक नवल किशोर सिंह, एसआई हाकिम यादव सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।